बुद्धू बुद्धू अरे गांव कौन सा हो गया ये वार्ड नंबर 29 गांव अच्छा बताइए कि आपका नेता है आपके लिए क्या क्या किया है अब तक जीत के गया तो कुछ नहीं किया तो जब जीत के गया कुछ नहीं किया थोड़ा वोट कहला देते हैं तो बोलता है कि वोट लेंगे तब देखो जीतने के बाद काम करते हैं तब देखो सबसे बड़ी समस्या ये है इस अररिया शहर से बिल्कुल सटा हुआ और वार्ड संख्या 29 जो नगर परिषद में जो आता है उसके बावजूद इस गांव में विकास नहीं हुआ है। अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, लेकिन ये प्रदीप सिंह रहे यहाँ के सांसद, न वो ध्यान दे पा रहे हैं, न नीतीश कुमार ध्यान दे पा रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी ध्यान दे पा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपस में बिहार हो चाहे पूरे भारत हो, जब जब इलेक्शन किसी राज्य में हो या देश का होता है तो दो ही बात कहते आ रहे हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का नाम लेते हैं, लेकिन एक बार भी इस अररिया गांव के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और इस अररिया गांव के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक जाति विशेष के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, आपस में फूट डालो राजनीतिक की जो अत्याचार जो हो रहा है, उस तरीका से शासन करने का प्रयास जो कर रहे हैं, आपस में फूट डालो और शासन करो। आज भी यही नतीजा है कि प्रदीप सिंह भी इन लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इन लोगों से इंदिरा आवास के नाम पर कितना रुपया लिया जा रहा है, 20,000-30,000। नीतीश कुमार जी ध्यान दे पा रहे हैं आपके ऊपर? नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। नरेंद्र मोदी ध्यान दे पा रहे हैं? कोई नहीं दे रहा, कोई नेता ध्यान दे रहा ना। नरेंद्र मोदी इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, न नीतीश कुमार ध्यान दे पा रहे हैं। और इनका ही समस्या नहीं, ये अररिया को अगर हम देख पा रहे हैं तो ये औधर जिला के मामले में, चाहे वो पटना की बात किया जाए या समस्तीपुर या नालंदा, ये अररिया हो या सुपौल, कोसी कहिए या सीमांचल कहिए, कटिहार से लेके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सारा जगह जो है सो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ कागजी पन्नों पर विकास नजर आ रहा है, उसके बाद कभी नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए अब जनता जो है आक्रोश हो चुकी है, इस बार जनता जो है सो जवाब देगी और बिहार की जनता जो है सो इस बार सबक सिखाएंगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को।